हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज द बॉयज एंड गर्ल्स चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। आज आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट इज द सामोअन आइसलैंड, वेयर इज द सामोअन आइसलैंड लोकेटेड। देखिए एमसीक्यूज हैं, पहले में ये एमसीक्यूज कुछ मैंने कराए हैं, आप इन्हें करेंगे पहले। तो वेयर इज़ द सामोअन आइसलैंड लोकेटेड, जो सामोअन आइसलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर में, वो कहाँ लोकेटेड था। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो करेक्ट आंसर इज सी, पैसिफिक, साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। सेकेंड, विच इज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द सामोअन आइसलैंड, जो सामोअन आइसलैंड के जो प्यूपिल्स थे उनकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या थी। एग्रीकल्चर ऑप्शन में है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड कैटल रेयरिंग। तो करेक्ट आंसर इज फिशिंग, मछली पालन। व्हाट आर द मेन एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ सामोअन आइसलैंड, जो सामोअन आइसलैंड के जो चिल्ड्रन बच्चे थे उनकी मेन एक्टिविटी क्या थी, बच्चे क्या करते थे। स्कूल तो वो जाते नहीं थे, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बताया था कि उनको स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। जो थोड़ा बड़ा हो जाता था वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना शुरू कर देते थे, और जो उनके पेरेंट्स थे वो खेतों पर काम करना और बाकी ये फिशिंग वगैरह का काम करते थे, और जो बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। तो करेक्ट आंसर इज ए, लुक्ड आफ्टर यंगर सिबलिंग्स। फोर्थ, ऑल द हाउस होल्ड टास्क एक्चुअली, जो ये हाउस होल्ड जो कार्य होता है, घर का जो काम काज होता है, एक्चुअली वास्तव में रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर करता है, मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क या फिर कुछ भी नहीं। तो जो हाउस होल्ड टास्क होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है फिजिकली वर्क, यानी कि शारीरिक श्रम, घर के काम काज को करने में शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम ऑफ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव को, बिटवीन बीच में मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन के बीच में जो ये भेदभाव है, ये लार्ज सिस्टम ऑफ, ये है इनइक्वलिटी, असमानता। रिलीजन है, कास्ट है या फिर इनइक्वलिटी, ये असमानता है। मैन एंड वुमेन के काम को देखते हुए जो ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है, ये असमानता को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, हमारे मेन जो सिद्धांत है हमारे संविधान का, क्या है, रिलीजन है, कास्ट है या फिर इक्वलिटी, वो इक्वलिटी है, समानता है। हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, तो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वलिटी है, समानता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन विलेज ऑफ इंडिया, भारत के जो गांव हैं उसमें सरकार ने निम्नलिखित में से क्या सेटअप किया है, वो है क्या, जिम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर आंगनवाड़ीज। देखिए गांव में आंगनवाड़ीज गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप की गई हैं वुमेन्स के वर्क के लिए और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। तो आंगनवाड़ीज एंड चाइल्ड केयर सेंटर भी कह सकते हैं, आंगनवाड़ीज इसमें सही ऑप्शन है, या फिर चाइल्ड केयर सेंटर भी होता तो वो भी गलत नहीं है, आंगनवाड़ीज इज द करेक्ट आंसर। एथ, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड, जो वर्क वुमेन्स करती हैं वो कम आका जाता है, उसकी कम वैल्यू होती है देन दैट ऑफ मैन, क्या ये सही है। यस, सही है, वुमेन्स के कार्य को कम वैल्यू दी जाती है समाज में। हाउस होल्ड इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, ट्रू या फॉल्स,
जो हाउस होल्ड यानी कि घर के जो काम काज होते हैं वो इनविजिबल, यानी कि इनविजिबल का मतलब होता है कि वो दिखाई नहीं देते हैं। घर के काम काज सारा दिन लेडीज़ करती हैं और फिर भी वो नज़रअंदाज किए जाते हैं कि कुछ माना ही नहीं जाता है उनको काम की, ये भी कोई काम है। और अनपेड तो वो होते ही हैं, उसके लिए लेडीज़ कोई भी पैसे नहीं लेती हैं, उनको कोई भी कुछ भी नहीं दिया जाता है, वो तो केवल अपनी फैमिली के लिए वो काम करती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन द लाइफ ऑफ सामोआन चिल्ड्रन। सामोआन चिल्ड्रन यानी कि सामोआन आइसलैंड के जो बच्चे थे उनके बारे में एक ब्रीफ नोट यानी कि संक्षिप्त नोट आपको लिखना है, उनके बारे में बताना है। आंसर पॉइंट्स में दिया गया है, 3 पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट, द सामोआन चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। जो सामोआन में रहने वाले जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। सेकंड, दे लर्न टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड डू हाउस वर्क। वे घर का काम काज करना सीखते थे और अपने बच्चों की देखभाल करना सीखते थे, अपने छोटे भाई बहनों की। थर्ड, दे लर्न टू अंडरटेक फिशिंग, और वो मछली पालन का कार्य भी सीखते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल एंड वुमेन्स टू वर्क आउटसाइड होम। व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन, सरकार ने क्या किया है फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, टू अटेंड स्कूल, कि लड़कियां भी स्कूल अटेंड कर सकें, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। एंड द वुमेन, और वुमेन्स के लिए, टू वर्क आउटसाइड, वो घर के बाहर कार्य कर सकें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। आंसर, द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर बाई पासिंग लॉ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर प्रोवाइड किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए लिस्ट ऑफ द टॉयज एंड गेम्स। टॉयज कहते हैं खिलौनों को, गेम्स खेल हो गए हैं, इनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए दैट बॉयज टिपिकली प्लेज, कि जो लड़के, एंड अनदर फॉर गर्ल्स, लड़के और लड़कियां जो गेम्स खेलते हैं और जिन खिलौनों से वो खेलते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। देखिए, चैप्टर ही बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेकर था, उनकी ग्रोइंग अप को लेकर था कि क्या डिफरेंस होता है उनके रहन सहन में और उनके लालन पालन पोषण में, और उनके किस तरह के से ये टॉयज़ अलग होते हैं और गेम्स किस तरीके से उनमें डिफरेंस होता है, तो यही इसमें बताना है। जो ये एक साइड मैंने दो डिवाइड किया गया है क्वेश्चन को, एक तरफ टॉयज़ हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के, और एक तरफ गेम्स हैं बॉयज़ के एंड गर्ल्स के। टॉयज़ देखेंगे बॉयज़ के, कार, जीप, रिवॉल्वर, वीडियो गेम, जेट फाइटर। जो बॉयज़ होते हैं ज़्यादातर वो इन चीज़ों से ही, इन खिलौनों से खेलना ही पसंद करते हैं, और गर्ल डॉल हो गया, सिंगार बॉक्स, किचन सेट एट्सेट्रा। जो लड़कियां होती हैं वो इनसे खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं। गेम्स देखिए, खेल कौन सा खेलना पसंद करते हैं बॉयज़, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल है, कबड्डी, शूटिंग, ये सारे गेम जो होते हैं वो बॉयज़ के होते हैं। और गर्ल के जो गेम होते हैं वो स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे जो गेम्स लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां इन गेम्स को खेलना पसंद करती हैं और बॉयज़ के गेम्स अलग बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। जो वुमेन का वर्क होता है वो उसकी वैल्यू मैन के वर्क से कम होती है। एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, द वर्क दैट वुमेन डू, वह कार्य जो वुमेन करती है इज नॉट प्रॉपरली वैल्यूड, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज वुमेन डू नॉट गेट पेमेंट फॉर मोस्ट ऑफ दीज वर्क्स। क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं लेती हैं।
और जो मैन जो वर्क करते हैं बाहर जाकर जो वर्क करते हैं जॉब वगैरह, वो उसके लिए पे लेते हैं, पैसा लेकर आते हैं, लेकिन काम तो लेडी भी करती है सारा दिन घर में, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कार्य, लेकिन उसके लिए वो कोई पे नहीं लेती है, उसको कुछ पैसा तो मिलता ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू मैन के वर्क से कम आकी गई है। इज इट ट्रू दैट आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन, क्या यह सही है कि जो हमारा समाज है वो दूरियां नहीं बनाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के बीच में, व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, जब वो बड़े होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। आंसर, आवर सोसाइटी मेक डिस्टिंक्शन, हमारी जो सोसाइटी होती है वो दूरियां बनाती है बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स के, सिंस वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही वो उनके बीच में दूरियां बनाना शुरू कर देती है। द पेरेंट्स प्रीफर बॉयज इन प्लेइंग आउटसाइड, जो पेरेंट्स होते हैं वो बॉयज़ को तो प्रीफर करते हैं बाहर खेलने जाना, एंड गर्ल्स आर रिफ्यूज, और लड़कियों को मना किया जाता है टू प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने के लिए, बाय सेइंग दैट, यह कहकर, इट इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स टू प्ले आउटसाइड, कि लड़कियों के लिए खेलना बाहर ठीक नहीं है। तो ये सही है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा समाज ही है जो लड़कियों और लड़कियों के बीच में शुरू से ही दूरियां बनाना शुरू करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर थे, नोट डाउन इन योर नोटबुक।